वाले पोल्ट्री में ऐप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज सारे क्या है कि घन घना को जितने आसान क्वेश्चन बनते हैं उसको और आसानी से कैसे लगाया जा सकता है उसको देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है किसी घन के आधार का कर्ण। ये घन का कर्ण नहीं रहे बबुआ, मैं बताता हूँ क्या दिया है। अगर मैं ये एक घन मानता हूँ, घन मानते नहीं, ये घन में है ये है, तो अगर ये घन है तो हमको दिया क्या इसमें आधार का कण है, इसका कण नहीं दिया है, घन का कण नहीं दिया, आधार का कण जितना ऊपर होगा उतने नीचे होगा, अर्थात हमको ये दिया है। मैं इसको अगर निकाल के बनाऊं यहाँ पर तो ये कुछ ऐसे बनेगा, हमको ये दिया है, ये कितना दिया है 5√2, और हमसे कह रहा है इस घन का वैल्यूम निकालो, आयतन निकालो। तो अगर इसकी भुजा पता चल जाएगी तो आयतन क्या होता है घन का, एक आके ऊपर देंगे यानी कि भुजा के ऊपर देंगे आंसर आ जाएगा। तो पहले ये भुजा तो पता होना चाहिए। आप देखिए अगर ये 5√2 है तो ये कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। अरे भैया पाइथागोरस लगाओगे तभी ना आएगा, यहाँ पर 90 बन रहा है, तो जब पाइथागोरस लगाएंगे ये कितना आ जाएगा 5√2, तो ये कितना रहा होगा 5, अर्थात इसकी भुजा कितनी रही होगी 5। तो इसका वैल्यूम जो आ जाएगा, वैल्यूम हो जाएगा v बराबर a का क्यूब, अर्थात 125 m³ हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आए तो थोड़ा कायदे से पढ़ लेना, नहीं तो फिर लपेटे में आ जाओगे। एग्जामिनर लपेटने के लिए देता है। लो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बताते कैलकुलेटिव है, आप अगर इसके झमेले में फंस जाओगे तो फंसे ही रह जाओगे, आपको निकलना है। कैसे निकलना है मैं बताता हूँ। यहाँ कह रहा है किसी आयती ठोस की विमाएं इतना दे रखा है, इस ठोस के बराबर आयतन वाले घन का कोण, ये जो आयतीय ठोस है इसके बराबर आयतन होना चाहिए, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा। आप कहोगे तीनों को गुणा कर दो, मैं भी क्या कर दिया, तीनों का गुणा कर दिया, ये आयतन निकल गया। इसी के बराबर एक हमको घन बनाना है, उसी का कोर पूछा है, तो उसका आयतन हमने एक क्यूब मान लिया। अब इसको बराबर करना है, अब देखिए इसको गुणा करोगे फिर क्या कर लोगे, क्यूब रूट लोगे तो माठा हो जाएगा, मतलब कि बोले तो समय जाएगा, समय बचाता है, बचाते हैं, कैसे बचेगा। देखिए जो 72 है इसको लिख सकते हैं 8√9, कितना 8√9। इस 75 को लिख देते हैं 15√5, इसको लिख देते हैं 15√135 होता है, तो ये 15 आ गया। अब देखिए ये 8 है 2 का क्यूब, तो 2 बाहर आ गया क्यूब रूट से, ये 15 है, ये 15 अगर एक और 15 बन जाए, इसमें से मैं 3 कामन ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 15, तो अर्थात एक 15 और बाहर बचेगा, यहाँ कितना बचा है 3, 9³ कितना होता है 27, एक 15 बाहर आ गया अगर 27 कितना होता है 3 का क्यूब, तो यहाँ भी एक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इधर क्या है ए क्यूब रूट हो गया भाई। अब इसमें गुणा कर देते हैं 15 × 30 = 90, तो ए बराबर क्या आ गया 90, अर्थात इसकी कोर जो आएगी घन की कितना आ जाएगा 90। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है 3 सेमी 4 सेमी तथा 5 सेमी कोर वाले 3 घनों को पिघलाकर। भैया जब इस मतलब इस भुजा वाले कोरों को जब पिघलाएंगे तो उससे जो मटेरियल ना पिघलेगा, तो मटेरियल लॉस नहीं होगा, पिघलेगा, बाद में उससे एक बड़ा का क्या बना दिया गया घन। तो क्या करेंगे, इसका तीनों का आयतन जो बन के आएगा उसके आयतन के बराबर होगा, तो इसका क्यूब भाई घन का क्यूब क्या होता है, उसका आयतन निकलेगा, तो इसका क्यूब करेंगे 3 × 9³ = 27, 4 का क्यूब कितना आएगा 4 × 16 = 64, 5 × 125 जोड़ते हैं 9 × 5 = 9 = 16 हासिल 1 हो गया, ये हो गया 4 × 2 = 6 × 2 = 8 = 11, 1 / 2 कितना आ गया 216, जो नया बनने वाला है उसकी भुजा a मान लिए तो a का क्यूब, ये 6 × 36 = 216, तो a बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। हमसे विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण घन का क्या होता है a√3 होता है, a का मान 6√3 सेंटीमीटर क्या आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है एक आयतीय ठोस की विमाएं मतलब भुजाओं में इतने का अनुपात है तथा संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस हमको दे रखा है इतना, तो कह रहा है भुजाओं की संख्या। हम क्या करते हैं अनुपातिक राशि यक्ष मान लेते हैं, तो यहाँ भुजा कितना आ जाएगा 3x, 4x और कितना आ जाएगा 7x। टोटल सरफेस दिया है, संपूर्ण पृष्ठ दिया है, किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, और ऊंचाई लंबाई क्या होता है गुणनफल होता है। तो जोड़ देते हैं इसको इसको ले लेंगे कितना आ जाएगा 3 × 12 x² आ जाएगा, इसको इसको ले लेते हैं कितना आ जाएगा
बच्चों का 28x² आ जाएगा, अगर मैं इसको इसको ले लिया तो कितना आ जाएगा 70x² इसी के बराबर कितना दिया है 10/98। दो से तो पहले वही निपटा देते हैं, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2 चौके 2 18 आ गया। इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 8 2 10 8 2 10 11 हासिल हो गया, 4 6 6 हो गया, 61x² बराबर कितना आ जाएगा 5 4 9। आप इसको देख रहे हो, इसका 9 गुना है, इसका ये 9 गुना है, तो x² बराबर कितना आ गया 9, x बराबर कितना आ गया 3। ये जो अनुपाती राशि मिल के आ गई कितना आ गई 3। हमसे कह रहा है इसकी भुजाएं ज्ञात करो, यहीं पर रखो आंसर पाओ। 3 रखेंगे 3 3 1 9, 3 रखेंगे 4 3 12 आ जाएगा, 3 रखेंगे 70 21, भुजाएं कितना आ गया 9 12 21, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आसान है, बशर्ते आप क्या सोचते हो मैं क्या सोचता हूँ अंतर है। तो आइए मैं क्या सोचता हूँ मैं उसको बताता हूँ। विकर्ण दे रखा है भैया, घन का घनाभ का विकर्ण क्या होता है, आयती कह रहा है तो घनाभ ही करना होगा। घन का विकर्ण घनाभ का विकर्ण क्या होता है, आपको होगा रूट के अंदर l² b² h² बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना दे रखा है 17, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे l² b² h² बराबर कितना आ गया 289। टोटल सरफेस दिया है, टोटल सरफेस बराबर क्या होता है, टोटल सरफेस बराबर क्या होता है, आप कहोगे 2 lb bh और lh, यही होता है टोटल सरफेस। ये दिया है 5 5 2, हमको कह रहा है तीनों कोरों का योगफल निकालो, अर्थात कह रहा है l + b + h का मान निकालो। इतने का मान चाहिए तो इसी का क्यूब कर देते हैं, नहीं स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि सबका मान पता हुआ है। जैसे स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, l² आएगा, b² आएगा, h² आएगा, बीच में प्लस है तो क्या आ जाएगा 2 lb bh और lh। इतने का मान कितना है बबुआ 289, कहाँ से है यहाँ से, और उतने का मान कितना हुआ है 5 5 2, जोड़ेंगे 9 2 11, और है कितना हो जाएगा 8 5 13 1 14, 5 2 7 1 8, कितना आ गया 841। इधर क्या आया है l + b + h² ये कितने का क्यूब है, 9 9 81 29 का है भैया, कितने का 29 का, l + b + h बराबर कितना आ गया 29 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं का योग कितना आ गया 29, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी एक महीना है, कायदे से पढ़ो ताकि साला रैंक लाओ, ये नहीं कि सरकारी कॉलेज मिल जाए, सरकारी कॉलेज बहुत हैं, आपको अच्छे सरकारी कॉलेज में जाना है ताकि वहाँ जाओ उसके बाद आपकी अच्छी जॉब लगे और एक अच्छी लाइफ मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसके पहले जो क्वेश्चन के सेम उसी पैटर्न पे है, बशर्ते जहाँ पर जो डाटा दिया है बड़ा सोचा समझा दिया है, आपको भी सोच समझ के लगाना है नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा। देखिए कह रहा है एक बक्से के सभी कोरों का योग दिया है 76, कितने कोर होते हैं, आप कहोगे हम घन देखे ही नहीं, अरे सर लूडो गुट्टी नहीं देखा है, लूडो नहीं खेलता है, खेला होगा तो उसके जो गुट्टी कोर देखे, 4 ठी लंबाई होती है, 4 ठी चौड़ाई होगी, 4 ठी क्या हो जाएगी ऊँचाई आ जाएगी, तो 4, उसके बाद क्या कह रहा है बक्सा कह रहा है, तो अगर मैं कोर ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, सी, यही हमको दिया है 76, तो a + b + c बराबर निकालेंगे 4 1 में 4 9 36, a + b, अगर तीनों कोरों का योग कितना पता चल गया 19, अधिकतम 13 सेंटीमीटर लंबी छड़ रखी जाता है, इनडायरेक्टली ये इसका विकर्ण दे रखा है, तो विकर्ण होता क्या है रूट के अंदर a² b² c² बराबर 13, दो वर्ग कर देते हैं a² b² c² बराबर 13 13 में होता है 169, ये मिल गया। हमसे कह रहा है टोटल सरफेस निकालो, तो हम क्या करते हैं a + b + c का स्क्वायर कर देते हैं, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा a² b² c² और प्लस में 2 ab bc, और ये कितना आ गया ca, इतने a + b + c का मान कितना है 19, 19 का वर्ग होता है 361, इतने का मान हिंगा से पता चल जाएगा, 361, इतना मान कितना दिया है 169, और 2 ab bc और ca, इधर ले जाके इसको घटाएंगे
जैसे इसको इधर घटाएंगे आंसर आ जाएगा, घटाएंगे 11 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 5 15 9 आ जाएगा, 192 क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, 2AB, BC और C। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, मेहनत करिए और वीडियो को मेरे लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।